पिछले कल मंडी जिला में कोरोना वायरस के 4 नए मामलों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ा दी हैं। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इन मामलों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 पॉजिटिव मामलों में से एक महिला ऊना से वापस अपने घर आई थी, जबकि 3 अन्य मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। जो महिला ऊना से आई थी वह गोहर उपमंडल की रहने वाली है। यह महिला बीते 12 दिनों से होम क्वारंटीन में थी। वहीं थुनाग उपमंडल के युवक, बहल उपमंडल की बुजुर्ग महिला और सदर उपमंडल के बुजुर्ग की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मालूम चली है। 2 लोग जोनल हॉस्पिटल मंडी की फ्लू ओपीडी में जांच करवाने गए थे, जहां से इनके सैंपल लिए गए हैं, जबकि गोहर वाली महिला की तबीयत खराब होने पर उसके घर जाकर ही उनका सैंपल लिया गया था और बहल वाली महिला मेडिकल कॉलेज नीर चौक में उपचाराधीन थी, जहाँ से इनका सैंपल लिया गया। डीसी मंडी ने बताया कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन संक्रमित व्यक्तियों के परिवार में ही किसी को कोरोना हो सकता है, जिसके चलते परिवार के सभी सदस्यों के आज ही सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों में कोरोना वायरस कहां से आया और कैसे आया। सभी की प्राइमरी कॉन्टैक्ट लिस्टिंग हमने की है, जिसमें ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति के 10 एक कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसमें कि फैमिली मेम्बर्स हैं और बाकी लोग हैं। तो उन सब के आज कल में हम सैंपल्स पिकअप कर लेंगे। जनरली हम थोड़े देर बाद सैंपल्स पिकअप करते हैं, पर इस सिनारियो में क्योंकि इनमें से जो लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल की हिस्ट्री हमें अभी तक पता नहीं चली है, इसलिए इनकी हम सैंपल्स पहले ही पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि शायद कोई और फैमिली का मेम्बर है जो कि शायद पॉजिटिव है और उनकी वजह से ये लोग इन्फेक्ट हुए होंगे, संक्रमित हुए होंगे। तो इस कड़ी में इस तरह से हमने अभी एक्टिविटी की। जहाँ ये 4 लोगों की बात है, उसमें जैसे मैंने कहा कि जो गोहर की एक लेडी आई थी, वो जो हमें प्रारंभिक सूचना मिली है वो ऊना से आई थी। उसको भी यहाँ पर आके 12-1 दिन हो गए थे, और वो क्योंकि पहले हमने रखा था कि जो ऊना और कुछ एरिया से लोग आएंगे उनको हम क्वारंटाइन में रखेंगे, इसके लिए उनका पूरा परिवार आया था और पूरा परिवार उनका क्वारंटाइन में था। बाकी जो 3 केसेस हैं उनकी अभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री हमें नहीं मिली है, उसकी जांच चालू है, जिसमें कि पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनका कॉन्टैक्ट हुआ हो। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके घर से 3 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए इसे पूरी तरह सील कर दिया गया है। बहल उपमंडल की महिला पहले से बीमार थी और इसने जिला के 2 निजी अस्पतालों में भी अपना उपचार करवाया था, इसलिए इन दोनों निजी अस्पतालों की ओपीडी को फिलहाल बंद कर दिया गया है और पूरे अस्पतालों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में जिन लोगों से इनका संपर्क हुआ था उनके बारे में भी छानबीन की जा रही है। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि इन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के बारे में सोशल मीडिया में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह तथ्यहीन हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को चेताया कि पुलिस इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से ना फैलाए। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत प्राइमरी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। एक बात ज़रूर है कि जो अफवाहें हमने बार बार अपील की है कि अफवाहें ना फैलाएं, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आप सबके माध्यम से हम इमीडिएट साझा करते हैं, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। तो मैं आपसे फिर से अपील करता हूं आपके माध्यम से कि लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे ही ध्यान दें, सोशल मीडिया पे भी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन पे ध्यान ना दें। ये मेरी सबसे अपील होगी। जहां एक्शन लेने की बात है वो एसपी साहब के ध्यान में है, एसपी साहब उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जहां इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से ही इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। बाकी जो पर्चियां वगैरह है, अब वो कैसे किसने आई बाहर आई, दैट इज़ वेरी हार्ड टू से एट दिस स्टेट, और हमारा फोकस उस दिशा में भी नहीं है। हमारा फोकस उस दिशा में है कि हम जो हमारे संक्रमित है वहां पर हम ट्रीट करें और बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम उसमें आइडेंटिफाई करें। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि अभी तक जिला में 8,500 लोग बाहरी प्रदेशों से आ चुके हैं और इन्हें क्वारंटीन में रखा है। अब लोगों के आने का क्रम काफी कम हो गया है।
पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।